कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के इशारों पर काम करने के आरोप लग रहे हैं। ऐसे में सूत्रों से आई खबर के मुताबिक विधानसभा चुनाव से पहले उनको प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से उतारा जा सकता है। दरअसल बिहार में अगले साल यानी कि 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अभी से तैयारी करनी शुरू कर दी है। इसके लिए पार्टी ने 30 अगस्त को देवेंद्र यादव, सुशील कुमार पासी और शहनवाज आलम को ज्वाइंट सेक्रेटरी नियुक्त किया है। दूसरी ओर प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को बदलने की भी चर्चा चल रही है। बता दें कि अखिलेश प्रसाद के खिलाफ कांग्रेस विधायकों ने ही मोर्चा खोल दिया है। अखिलेश प्रसाद सिंह पर आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेसी कल्चर के विरुद्ध इनका आचरण है। उनके कारण ही अनिल शर्मा ने पार्टी को अलविदा कह दिया। इसके बाद विधायक सिद्धार्थ और मुरारी गौतम ने पार्टी छोड़ दी। कांग्रेस प्रवक्ताओं में असित नाथ तिवारी और कुंतल कृष्ण ने भी पार्टी को अलविदा कह दिया। बता दें कि अखिलेश प्रसाद सिंह पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के इशारे पर काम करने का आरोप है। लिहाजा सूत्रों के मुताबिक विधानसभा चुनाव से पहले उनको प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से उतारा जा सकता है। उनकी जगह ऐसे नेता को प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी जो लालू यादव की चालाकियों का जवाब दे सके। वहीं सूत्रों के अनुसार लोकसभा चुनाव में लालू यादव और तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से टिकटों के बंटवारे में अपनी मनमर्जी चलाई थी, उससे भी कांग्रेस पार्टी नाराज है। ऐसे में सूत्रों का कहना है कि नाराज कांग्रेस अब राजद को मकूल जवाब देने की तैयारी में है। वहीं अगर ऐसा हुआ तो लालू तेजस्वी को तगड़ा झटका लगेगा, क्योंकि राजद अध्यक्ष ने पप्पू यादव को रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हालांकि फिर भी उन्होंने लोकसभा चुनाव में पूर्णिया सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। ऐसे में सूत्रों का कहना है कि लालू यादव के कहने पर ही अखिलेश प्रसाद सिंह ने पप्पू यादव के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया था, जिसके बाद पप्पू यादव को पार्टी में शामिल कराने के लिए कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को सामने आना पड़ा था। इस पूरे घटनाक्रम से भी कांग्रेस आलाकमान नाराज बताए जा रहे हैं।